लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। केंद्र सरकार ने जिस तरह से कोविड को लेके राज्य सरकारों को सूचना की है कि भले ही राज्यों में आंकड़े कम हो गए हों, लेकिन जिले में आंकड़े ज्यादा हैं तो वहां निर्बंध सख्त किए जाएं। साथ ही साथ डेल्टा को लेके भी सचेत रहने के लिए केंद्र की तरफ से कहा गया है। इस सारी चीजों को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने जो 5 लेवल की नियमावली बनाई थी, उसकी 3 नियमावली को कायम रख के पिछले सोमवार से 4th और 5th लेवल हमने खत्म करने का काम किया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर आ सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बड़े पैमाने पे इंतजाम किया गया है और कोविड डेडिकेटेड अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। हमें लगता है कि महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयार है और महाराष्ट्र की जनता भी सारे खतरे को देख के सहयोग कर रही है।